एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने सोरायसिस से कैसे लड़ सकते हैं और इसे हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सोरायसिस ऐसी कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये वापस ओरिजिनेट होती रहती है, एक से दो बार, दो से तीन बार या उससे ज़्यादा बार भी आपको अपने जीवन काल में, लाइफ स्पैन में देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये बार बार हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी को अटैक कर रहे हैं। अब वो अपनी बॉडी को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आपको सोरायसिस हो रहा है। अब सोरायसिस हो तो रहा है, बट आप इससे लड़ सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं, ताकि ये बार बार रिपीट होकर या रिकर होकर आपको अपने लाइफ स्पैन में फेस ना करनी पड़े या बार बार इससे जूझना ना पड़े। क्योंकि इसके इरप्शन बहुत ही पेन देते हैं, बहुत ही इन्फ्लेमेटेड होते हैं, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपको सोरायसिस को क्योर करने में आपकी मदद करेंगी और आपको सोरायसिस से लड़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। क्योंकि सोरायसिस जो कंडीशन है वो स्किन डिसऑर्डर के साथ साथ आपकी गट की भी प्रॉब्लम है। गट मीन्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मीन्स आते, जिन्हें हम लेम भाषा में, लेम टर्म में आते बोलते हैं। इंटेस्टाइन है, गट है, उसकी लाइनिंग से ओरिजिनेट होने वाली एक समस्या है जो आपको स्किन पे दिखती है। अब इसको ठीक करने के लिए या गट सेल्स को या इंटेस्टिनल सेल्स को ठीक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें लें जो आप अपने सोरायसिस को बार बार आने से रोक सके। पहली जो चीज़ होती है वो होती है एल ग्लूटामिन। एल ग्लूटामिन पाउडर की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। एल ग्लूटामिन जो है एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन डेरिवेटिव है। इसको लेने से जो आपकी गट लाइनिंग वीक हो रही है या आपके गट सेल्स बार बार आपके स्किन के सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, और आप एल ग्लूटामिन लेकर अपने गट सेल्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, उन्हें ताकत दे सकते हैं, ताकि सोरायसिस आपको बार बार ना हो। और साथ ही साथ ये अमीनो एसिड ज़रूरी है आपके सेल्स को रिपेयर करने के लिए। ये न्यू सेल्स की ग्रोथ जल्दी करता है, ताकि जो आपके डेड स्केली लाइन बनी हुई है सोरायसिस पे वो रिप्लेस हो जाए जल्दी से, और आपके गट सेल्स और स्ट्रॉन्ग बने और वापस से सोरायसिस खुद ही अटैक करके सेल्स को ना हो। आप एल ग्लूटामिन ले सकते 10 ग्राम्स एक बार दिन में, आप शुरू करिए लेना। शुरुआत में आप एक बार लेंगे 10 ग्राम्स, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 2-3 बार दिन में ले सकते हैं। इससे आपकी गट लाइनिंग स्ट्रांग होगी, इंटेस्टिनल लाइनिंग आपकी स्ट्रांग होगी और आपको सोरायसिस बार बार नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है तमानु ऑयल। तमानु ऑयल ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इस ऑयल से आपको हेल्प मिलेगी, जो भी सोरियाटिक स्किन हो गई है आपकी, उस सोरियाटिक स्किन की इन्फ्लामेशन हटाने के लिए, आपको जलन, बर्निंग, खुजली ऐसी समस्या से राहत देने के लिए। आप दिन में 1-2 बार तमानु ऑयल अगर आपको मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बॉडी में, और अपने सोरायसिस में जो भी आप पेन फील कर रहे हैं खुजली का, दर्द का, उससे राहत पा सकते हैं। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है विटामिन D3। अक्सर सोरियासिस पेशेंट में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मींस कमी हो जाती है। तो जब विटामिन D3 की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी विटामिन D3 को सही मात्रा में बनाने दें बॉडी को, ताकि आपको सोरायसिस के साथ साथ घुटनों में पेन, जॉइंट पेन्स या फिर कहीं पे भी आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में रिलेटेड टू योर मसल क्रैम्प्स, रिलेटेड टू योर जॉइंट पेन्स, वो सब ना ओरिजिनेट हो। विटामिन D3 या हम इसको K2 भी बोलते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है पाउडर की फॉर्म में, शैशेस की फॉर्म में, जिसको आप स्किम्ड मिल्क के साथ दिन में एक बार ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप लेना स्टार्ट करें विटामिन D3 के शैशेस को, ताकि आपकी जो डेफिशिएंसी हो रही है वो पूरी होती रहे और आप विटामिन D3 डेफिशिएंट ना रहें। क्योंकि सोरियासिस एक बार हो गया अगर आपको और आप विटामिन D के डेफिशिएंट हो गए, तो सोरियासिस बार बार होता रहेगा इस डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, थकावट बहुत महसूस होगी, और ये पेन जो होता है वो आप बेयर नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि आप अपने विटामिन D3 को लेवल में रखें और साथ ही साथ अपने इस सोरायसिस को बार बार आने से रोकें। तो इन 3 चीज़ों से आप अपने सोरायसिस से लड़ सकते हैं,
और इसे बार बार होने से रोक सकते हैं। और आप स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ना लेकर नेचुरल ट्रीटमेंट लीजिए, क्योर लीजिए, क्योंकि स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होते हैं वो बस एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपको ट्यूब दे दी जाती है या फिर ऑइंटमेंट्स दे दिए जाते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। जैसा मैंने बताया, सोरायसिस एक गट प्रॉब्लम है, आपकी इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि आपके सेल्स खुद ही की बॉडी को अटैक कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, डेड कर रहे हैं, इसलिए वो समस्या आपको स्किन पे दिख रही है। तो बेटर है आप इससे टेम्परेरीली रिलीफ ना पाके इसका परमानेंट सोल्यूशन लें, ताकि आपके गट लाइनिंग भी इम्प्रूव हो सके और आपकी गट सेल्स के साथ साथ आपके स्किन सेल्स भी स्ट्रांग हो और सोरायसिस बार बार ना हो, क्योंकि ये आपके लाइफ स्पैन में 2 से 3 या उससे ज़्यादा बार भी आपको सोरायसिस हो जाता है। तो आप परमानेंट ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी सोरायसिस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं और आप भी समस्या से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आप हमारे डॉक्टर्स को कॉल करें, उन्हें पिक्चर भेजें, व्हाट्सएप करें और उनसे फ्री कंसल्टेशन लें, ट्रीटमेंट के बारे में जानिए, ट्रीटमेंट लेके देखिए और अपने सोरायसिस को ठीक करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।